दोस्तों आज जानेंगे कि आखिर ड्वेन जॉनसन स्टार ब्लैक एडम को लेकर आखिर क्या खुलासा हुआ है। दरअसल ब्लैक एडम करीब 2-2.5 साल पहले अनाउंस हुई थी, जिसके बाद से फैंस एक एंटी हीरो को देखने के लिए बेताब हैं। लेकिन किसी कारणों से यह फिल्म फ्लोर पर नहीं जा पा रही है, जिन पर हाल ही में शजाम के प्रोड्यूसर हीराम गार्सिया ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि जस्टिस लीग के फेलियर के बाद DCU की यह सबसे खास प्रोजेक्ट है, जिस पर स्टूडियो की हर छोटी से छोटी चीज पर नजर है। हीराम गार्सिया के मुताबिक फिलहाल तो ब्लैक एडम के स्क्रिप्ट पर बारीकी से काम चल रहा है। बीते दिनों पहले रूमर्स थे कि शजाम में ब्लैक एडम का कैमियो होगा, जिन पर उन्होंने यह कंफर्म कर दिया कि शजाम की अपकमिंग फिल्म में ब्लैक एडम का कोई भी कैमियो नहीं होने वाला। आपको बता दूं कि शजाम का सबसे बड़ा दुश्मन ब्लैक एडम है। दोनों के पास जादुई विजर्ड की पावर है, और जैसे कि DCU पहले शजाम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनमें उनका मुकाबला पागल साइंटिस्ट डॉक्टर शिवाना के साथ होने वाला है, जिसके बाद ही ब्लैक एडम की सोलो फिल्म आएगी। इसी के साथ ब्लैक और शजाम का क्रॉसओवर यकीनन तय है, जहां शजाम ने सुपरमैन को हराया है और ब्लैक एडम ने शजाम को। 1991 में आई हॉलीवुड फिल्म टर्मिनेटर 2 में नजर आने वाली यह दुर्लभ बाइक हार्ले डेविडसन फैट बॉय के द्वारा डिजाइन की गई थी। इस बाइक को एक्टर अर्नोल्ड जेर हॉलीवुड अभिनेता के द्वारा चलाया गया था। यह उस दौर की सबसे मशहूर बाइक थी, और यही कारण था कि फिल्म सुपरहिट हुई, और इसी के चलते यह मॉडल काफी प्रचलित हुआ। यह वह दौर था जब हर कोई हार्ले डेविडसन फैट बॉय DJ यह बाइक खरीदना चाहता था, और इसी के चलते यह बाइक खूब बिकी। इस बाइक का एक स्टंट आज भी काफी पसंद किया जाता है। इस स्टंट में अर्नोल्ड बाइक को एक ब्रिज से कुदा देते हैं। इसके अलावा इस बाइक से उन्होंने और भी स्टंट किए थे। यह बाइक एक ऑक्शन में 4,80,000 अमरीकी डॉलर और भारतीय रुपये में 3.3 करोड़ रुपए की बिकी है। यह बाइक अभी भी अच्छी कंडीशन में है और लगभग 1000 किलोमीटर तक चल चुकी है। तो ऐसी ही हॉलीवुड न्यूज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आप देख पाएं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।